अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप लोगों को पता है 25 से 30 दिन हो गए हैं इधर पास वाला हमारा जो सिटी है तौंसा शरीफ डीजी खान इस साइड पर सैलाब आया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब सैलाब आया था तो उसके बाद 5 मरतबा अगेन सैलाब आ गया है। जो इलाके, जो गांव, जो शहर बच गए थे इस बार वो सैलाब की लपेट में आ गए हैं। सो आज वो लोग भूखे प्यासे बेयार और मददगार रोडों पर कैंप लगाए इस आस के साथ बैठे हैं कि कोई अल्लाह का भेजा आएगा, हमारे पास खाना पहुँचाएगा। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने दो देखे चावल भी बनाई हैं हमारे उन बहन भाइयों के लिए जो लोग भूखे प्यासे हैं। इंशाल्लाह हम ये उन लोगों तक खाना पहुँचाएँगे। सो मैं आप सब बहन भाइयों का मशकूर हूँ जो आप इतना खूबसूरत दिल रखते हैं, जो आप उन सैलाब ज़दगान की परेशानी को समझते हैं और उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह दो देखों का बंदोबस्त हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हम डेली बेस पर उनको खाना पहुँचाएँ, क्योंकि ना ही तो उनके घर बच्चे हैं, ना ही उनके पास कोई साफ पानी की जगह है, ना ही कोई उनके पास खाने पीने की अशियाँ हैं, ना ही गवर्नमेंट कोई उनके साथ तआवुन कर रही है। सो हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने भाई भाइयों के तआवुन से उन तक खाना पहुँचाएँ, क्योंकि इस काम में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आप सब बहन भाइयों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम उनको डेली बेस पर खाना पहुँचाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दो देखें चावल भी बनाई हैं, इनको शॉपर में जो है पैक कर रहे हैं, उसके बाद हम वहीं चलेंगे सैलाब वाले एरिया में। ये जो सैलाब वाला एरिया है हमारे सिटी से 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर है। सो इंशाल्लाह ये हम खाना उन तक पहुंचाएंगे और इस काम में हमें आप सब बहन भाइयों का सपोर्ट चाहिए। काइंडली जो भी बहन भाई इस काम में हिस्सा लेना चाहता हो, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इंशाल्लाह हम इसी तरह डेली बेस पर उनको खाना पहुंचाएंगे, लेकिन हम अकेले इस काम में कुछ भी नहीं है। मैं अगेन कहता हूँ, हमें इस काम में आप सब बहन भाइयों का सपोर्ट चाहिए। सो अब वहीं चलते हैं, उन तक खाना पहुँचाते हैं और उनके चेहरे पर वो कुछ देखते हैं, क्योंकि यार वो लोग भूखे हैं। मैं कल गया था, एक माँ ने मुझे बताया कि बेटा हम सुबह से ही कुछ नहीं खाया, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए और ना ही हमें कोई खाना वगैरह मिला है। सो वीडियो के साथ जुड़ रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एज अ सदका जारिया अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा। कोई बहन भाई अगर इनकी सपोर्ट करना चाहता हो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इंशाल्लाह इसी तरह हम उनके लिए खाना मैसर करते रहेंगे। I'm not afraid to die.
Oh, my God.